भिवंडी भाजपा दक्षिण भारतीय आघाड़ी अध्यक्ष मोहन कोंडा ने अपने कोर कमेटी का विस्तार किए। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टी व महाराष्ट्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय आघाड़ी के महासचिव कोंका मल्लेशम के मार्गदर्शन में भिवंडी भाजपा के मुख्य कार्यालय में भिवंडी दक्षिण भारतीय आघाड़ी अध्यक्ष मोहन कोंडा ने अपने साथ काम करने के लिए दक्षिण क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लिए और सभी भिवंडी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी में शामिल किए हैं। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के हाथों से पार्टी का प्रमाण पत्र व शॉल डालकर स्वागत किए। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी अध्यक्ष मोहन कोंडा ने कहा है कि भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी व दक्षिण भारतीय आघाड़ी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है और भिवंडी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और उन्हीं के आने वाले भिवंडी मानपा चुनाव में दक्षिण भारतीय लोगों को बड़ा रोल रहेगा। उसी तरह भिवंडी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने कहा है कि आज दक्षिण भारतीय आघाड़ी में शामिल हो रहे सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी लोगों को एक ही कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से सेवा भाव कार्य करिए और भिवंडी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनताओं के लिए कार्य कर रहे हैं, वहाँ कार्य घर घर पहुँचाना है आपका काम है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों को यह जानकारी देते रहिए। इस कार्यक्रम में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री एडवोकेट अर्शल पाटिल, महासचिव राजू गाजंगी, विशाल पाटारे, निष्काम भैरी, किशन कल्याणव, वासम राजेंद्र, डॉक्टर चंदन राजमल्लैया, उपल नागेश व आदि मान्यवर उपस्थित थे। अन्ना ने हमको एक विश्वास करके दक्षिण भारत का अध्यक्ष बनाया, तो हमने जैसे अभी राजेंद्र साहब ने कहा, केके ने कहा, हमारे कोंका मल्लेशम जी ने कहा कि हम एकजुट होकर काम करना है हमें, और जितने भी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जो है, जो अभी पदाधिकारी हो गए, उनसे मैं यही विनंती करता हूँ कि ये सभी अभी जैसे अभी अभी हमारे सामने ये इलेक्शन है, सामने हमारे जैसे हमारे अन्ना ने, हमारे बीजेपी ने, भिवंडी के बीजेपी और हमारे अन्ना जी आमदार जी खासदार जी, इनका कहना है कि हमें 35 सीट का इनका एक उद्देश्य टारगेट है और मुझे लगता है ये ज़रूर करेंगे भी, क्योंकि जिस तरह आज ये दक्षिण मंडल का ये विस्तार हुआ, वैसे एक महीने से ये लोग ने हज़ारों लोग कार्यकर्ता यहाँ पे बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि एक ही बीजेपी एक पैसा पार्टी है जो ये कर सकती है और वो हमारे कार्यकर्ताओं को भी लेके चलेंगे। हम पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र जी, हमारे जनरल पाटिल और यहाँ के खासदार आमदार, हम सभी के प्रयास से और हमें जो आदेश है, हमारा जो संगठन का जो एक रचना का काम है, जिसमें पार्टी ने दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बिहार, अलग अलग सेल, क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है हमारी, तो हर सेल के माध्यम से हर समाज तक हमको पहुंचना है। मोदी जी का जो भी लक्ष्य है, मोदी जी का जो भी भारत के एक नया भारत जो बनाने का जो सपना है, जो हो चुका है, उसको और कैसे मजबूत करने का, वो हिसाब से आज हमने आज इधर बिहार का सेल का हम लोग डिक्लेयर किए थे, अभी दक्षिण का डिक्लेयर आज किए, इधर मोहन कोंडा के नेतृत्व में उनके सेल के अध्यक्ष थे, हमारे हसन जी थे, कोंकाना है, चन्ना साहब है, नागेश्वरना, राजू, ये सभी दक्षिण के जो नेतृत्व है, इनके आज इनके सक्षम आज सभी भिवंडी में जितने दक्षिण है, कर्नाटक, तमिल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी का एक अच्छा गठ बना है कि जो भी मोदी जी का जो सपना है, जो भी मोदी जी का जो स्कीम है, वो हर समाज तक कैसे पहुँचे, और दक्षिण भारत भिवंडी में बहुत बड़ी एक ताकत रखती है, बहुत बड़ा एक इनका वजूद है, बहुत बड़ा इनका एक अच्छा विश्वास है हमारे भिवंडी में के लोग का। तो आज मैं मोहन कोंडा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस ढंग से आज ये कमेटी बनाई, उसको देखते हुए मुझे पूरा भिवंडी का दक्षिण आज एक जगह दिखा। जो पद वितरण किया गया है, उसमें जो सभी एरिया के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, वैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है, केरला है, कर्नाटका है और पांडुचेरी, ये 6 स्टेट मिला के दक्षिण भारतीय आघाड़ी करके बनाया गया है स्टेट लेवल से, और उसमें जहाँ तक अभी ये लोगों को पद वितरण किया गया है, उनमें जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाएं, वो घर घर तक पहुँचने के लिए हमारे कार्यकर्ता वो कोशिश करेंगे। दक्षिण आघाड़ी का जो पदवीवाटक कार्यक्रम जी कोंडा मोहन ने जो आयोजित किया है, वो देख के आज इतना संतुष्ट है, मैं भी एक दक्षिण से हूँ। इसके लिए जब से अन्ना ने
जिला अध्यक्ष बना तब से दक्षिण मंडल को और दक्षिण आघाड़ी को इतना मान्यता मिल रहा है और अपने लोग भी कुल के भिवंडी में जिला में ज्वाइन होने के लिए और मंडल में और आघाड़ी में ऐसा अपना दक्षिण का बहुत पैना में पे इधर लोग रहते हैं उन लोग सब जुड़ रहे वो देखते हुए आज आने वाला जो महानगर पालिका का आप बोल रहे वो तो बीजेपी तो आज मोदी जी का नाम से और देवेंद्र जी के नाम से सब लोग खुश है क्योंकि इन लोग भ्रष्ट नहीं है इन लोग जो भी है ईमानदार लोग हैं एक वचन के बात करने वाले हैं इनको देख के ही बीजेपी को सब लोग सामने से चुन के दे रहे हैं वैसे ही आने वाले काल में कोई भी हाल में बीजेपी भिवंडी में एक नंबर रहेगा करके काउंसिल में मैं आशा रखता हूँ। अध्यक्ष साहब तब से कोंडा मोहन जी हमारे साथ में जब से जो हमारा वार्ड अध्यक्ष थे बाद में बूथ प्रमुख बने शक्ति प्रमुख बने बाद में युवा में गए मतलब साथ में हमारा साथ में निभाते हैं हमारा जो क्षेत्र है मंडल दक्षिण मंडल उसी में रहते हैं इसके लिए हमारा साथ में जिधर भी जो अन्ना का वार्ड है साथ में काम किया उनका काम एकदम सराहना है। जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष जो चार साल से जो काम किया उधर भी बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। अभी अन्ना ने जो उनके भरोसा किया भारतीय दक्षिण आघाड़ी के अध्यक्ष करके उन्होंने जो टीम तैयार की आज देखा ना सब युवा है क्योंकि वो भी युवा है युवा के हिसाब से सब युवा टीम को लेके जो संतोष अन्ना जिला अध्यक्ष का जो ख्वाहिश है जो आने वाले 22 का इलेक्शन में 35 नगर सेवक का जो सपना है उनका पूरा करना उसके लिए दक्षिण मंडल में जितना कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा दक्षिण आघाड़ी की क्योंकि दक्षिण मंडल में तो खाली 18 वार्ड है लेकिन इनका पूरा क्षेत्र में कम से कम 1,25,000 लोग दक्षिण भारतीय है तो उनको मैं उनके पास आशा रखता हूँ कि दक्षिण भारतीय जितने तमिल कन्नड़ तेलुगु सभी है सभी अपना बीजेपी के समर्थक रहते हैं उनको तरफ से और कोंडा मोहन जी को फिर से एक शुभकामनाएं। कोंडा फैमिली जो है मैं इनके पिताजी के साथ भी काम कर चुका हूँ इनका पिताजी भी बीजेपी के नगर सेवक थे और उनका फैमिली में ये जो राजनीति बसा हुआ है और मोहन कोंडा जी मैं बचपन से जानता हूँ जैसे हमारे जैन मित्र मंडल के अभी अध्यक्ष भी बने उधर भी अच्छा काम कर रहे और भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले भी कुछ कुछ पदवी लिए सबके लिए काम किए अच्छा होनार लड़का है और मैं बीजेपी जब से स्थापना हूँ तभी से बीजेपी में हूँ। साउथ इंडियन सेल का इतना बड़ा जो मेला हुआ था इतना बड़ा कभी मैं देखा नहीं सिर्फ पदाधिकारी है अगर इनके साथ कहीं 10-10 अगर लोग भी रहेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। भिवंडी में मेरे को लगता है वोटर में भी साउथ इंडियन सेल परसेंटेज अच्छी तरह है सेकंड नंबर में आती है। आने वाले जो ये युवक जो लोग जो आए हैं अभी सब पदवी लिए आने वाले हमारे नगर पालिका इलेक्शन में बहुत काम आ जाएंगे और बहुत सारे साउथ इंडियन के लोग भी नगर सेवक बन सकते हैं।